गुड मॉर्निंग सिविल इंजीनियर, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल द सिविल इंजीनियर प्रेजेंट पर। और आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं ड्रिंकिंग वाटर पैरामीटर्स की और उनके एक्सेप्टेबल लिमिट्स की, कौन सा आइस कोड टेस्ट प्रोसीजर के लिए यूज होता है उसकी भी एज पर आइस कोड 10500-2012। तो आपको आखिर तक देखना है, सभी पैरामीटर्स के बारे में हम एक्सेप्टेबल लिमिट को डिस्कस करेंगे। और यदि आप वाटर सप्लाई से बारे में एसडीपी पाइप हाइड्रो टेस्टिंग यदि जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखना है। एसडीपी पाइप के ज्वाइंटिंग लिंक कमीशनिंग को भी हमने बहुत अच्छे से बताया, एक बार जरूर जाके देखिए, कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम 10500-2012 में दी गई स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर के पैरामीटर्स की बात करेंगे, एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एज पर आइस कोड 10500 ड्रिंकिंग वाटर किसे कहता है। तो उन्होंने साफ बताया है कि भाई ऐसा कोई भी पानी जो खाने पीने के लिए और कुकिंग के पर्पज से यूज होता है वो ड्रिंकिंग वाटर है, भले ही वो ट्रीटेड हो या अनट्रीटेड हो, डजंट मैटर, किसी भी सप्लाई से आ रहा हो, एनी मीन ऑफ ह्यूमन कंजप्शन सप्लाइड बाय एनी मीन, कहीं से भी आए, दैट इज एवरीथिंग इज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहां पे खत्म किया है। इससे पहले कि बाकी की चीजें और बताएं, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और शेयर करो दोस्तों के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं भाई, रिक्वायरमेंट क्या है। क्लूज 4 साफ साफ कहता है, ड्रिंकिंग वाटर शैल कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट गिवन इन द टेबल नंबर 1-4। 1-4 में जो कंप्लायंस दिए हुए हैं वहां पे उन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। पेस्टिसाइड रेसिड्यू के लिए टेबल नंबर 4 में रिकॉग्नाइज लेबोरेटरी के साथ में इंटरनेशनल एस्टेब्लिश टेस्ट मेथड्स भी मीटिंग्स हैं उनमें की भी बात की है, टेबल नंबर 3 वो हम डिस्कस करेंगे। और टेबल नंबर 5 में रेसिड्यू लिमिट्स की बात की है, तो वो चीजें भी हमें पता होनी चाहिए और वो हमारे एक्सेप्टेबल लिमिट ड्रिंकिंग वाटर की। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक चीज है कि अभी टेबल नंबर 1 बताता है ये सारे पैरामीटर्स हैं, ऑर्गेनोलैप्टिक एंड फिजिकल पैरामीटर्स के लिए है टेबल नंबर 1। भाई ऑर्गेनोलैप्टिक क्या होता है, क्या आपने इससे पहले इसका नाम सुना है? भाई ऑर्गेनोलैप्टिक पैरामीटर्स वो हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू टेस्टेड किए जाते हैं, इंक्लूडिंग टेस्टिंग साइट, साइट मतलब आंखों से, स्मेल एंड टच महसूस करके, या फिर नाक से, या फिर हमारी जीभ के द्वारा, ये सब जो भी चीजें, जो भी पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे उनको ऑर्गेनोलैप्टिक पैरामीटर्स कहा जाएगा। इसमें कलर है, ऑर्डर है, पीएच वैल्यू है, टेस्ट है, टर्बिडिटी है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हैं। तो इनके एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करें, देखिए कलर को हैजिन यूनिट्स में बात मेजर किया जाता है एज पर आईएस कोड 3025 पार्ट 4 में टेस्टिंग प्रोसीजर्स है, हम इसको डिस्कस करेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। इसलिए आप हमें सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन ना छूटे आपसे जब हम ये चीजें आपके लिए शेयर करें। तो और आपको एक एक्सेप्टेबल लिमिट 5 है। और देखिए अब एक चीज और समझने वाली है कि ये सब ना सोर्स को वेरीफाई करने के लिए आई स्पोर्ट्स है। अब यहाँ पे परमिशेबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, यदि आपके पास एक ही सोर्स है तो इसकी लिमिट 15 तक बढ़ सकती है, लेकिन यदि आपके पास अल्टरनेट सोर्स है तो आप 5 तक ही रहने दीजिए, क्योंकि 5 ही बेस्ट है, 15 तक कुछ उसमें इम्प्योरिटीज रहती हैं। तो यदि वो है एक एक्सेप्टेबल लिमिट है कि आप यूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट गुड। यदि आपके पास अल्टरनेटिव सोर्स है तो आप दूसरा सैंपल भेजिए पानी का, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। और ऐसी ऑर्डर है, ऑर्डर तो होना ही नहीं चाहिए, एग्रीडेबल होना चाहिए यदि ऑर्डर आ रहा है। इसका टेस्ट हम 3025 पार्ट 5 में टेस्ट प्रोसीजर है, उसकी यूनिट्स नहीं है, ऑर्डर है, वो तो आपके स्मेल से पता लगेगा कि कहीं किस तरह का ऑर्डर है। पीएच वैल्यू की बात करें 6.5 से 8.5, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है, इससे ज्यादा पीएच का पानी पीने योग्य नहीं होता है। एज पर आई स्कोर 3025 पार्ट 12 में इसकी टेस्ट प्रोसीजर्स है, जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसको बाय हार्ट, आपको इसको रिमेम्बर करने के लिए 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितनी बार आप देखना चाहो वीडियो को, पुश बैक फॉरवर्ड पूरा आप इसको एक दिन में 2 बार देखो इसको, तो आपको ये सारे पैरामीटर्स याद हो जाएंगे। मैं तो यही कहूंगा।
टेस्ट है, टेस्ट एग्रीडेबल होना चाहिए, टेस्ट क्योंकि टेस्ट लेस होता है बाटा। टर्बिडिटी एनटीयू नेथलोमीटर टर्बिडिटी यूनिट्स है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम 3025 पार्ट 10 को डिस्कस करेंगे। एक्सेप्टेबल लिमिट 1-5 है एनटीयू, क्योंकि यूनिट्स बहुत है टर्बिडिटी की, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। टोटल डिजॉल्व सॉलिड की बात करें 500 दैट इज द लिमिट, लेकिन यदि कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, मजबूरी में यदि आपको आपको पानी यूज करना है तो 200 तक इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं, 2000 तक सॉरी। एज पर आइस कोड 3025 पार्ट 16 में इसके पैरामीटर्स हैं, प्रोसीजर का सैम्पलिंग का प्रोसीजर का है, और आजकल तो टीडीएस चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आने लगे हैं, दैट इज ओके। और नोट वन में नोट में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आप के पास में रिक्वायरमेंट है एक्सेप्टेबल लिमिट है, यदि कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, और यदि उससे ज्यादा है तो आपको उसे रिजेक्ट ही करना है सोर्स को। अबव बेस द सोर्स विल हैव टू बी रिजेक्टेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टेबल नंबर 2 में जनरल पैरामीटर्स की बात की हुई है। जनरल पैरामीटर्स में एल्यूमिनियम है, अमोनिया है, एल्यूमिनियम 0.03 दैट इज बैल वेरी गुड, और 0.2 तक एक्सेप्टेबल लिमिट, और बस ये खत्म है। अमोनिया 0.5 नो रिलैक्सेशन, एनोनिक डिटर्जेंट है 0.2 वन तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। आइस कोड्स हमारे लिए, ये जब हम टेस्ट प्रोसीजर्स के लिए आइस कोड आपके साथ है, आप देखते रहिए, ठीक है। हम बेरियम की बात करें 0.7 तक एक्सेप्टेबल लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोरॉन 0.5 से 1 तक जाएगा, कैल्सियम 75 से 200 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लोरीमाइंस 4 है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लोराइड 250 से 1000 है, एमजी पर लीटर मिलीग्राम पर लीटर में है सारी यूनिट्स, आपको ध्यान रखना है ये चीज। कॉपर 0.05 से 1.5 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लोराइड की वैल्यू 1 टू 1.5 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए एक चीज और आप देखिए, क्लोरोमाइंस में जब हमने बात की तो उसमें लिखा हुआ है कि इसका आइस कोड्स 3025 पार्ट 26 के ऊपर स्टार बना हुआ है, और APHA, ये APHA क्या है, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड है। इन दोनों में जब कभी भी डिस्प्यूट होगा तो IS 3025 पार्ट 26 को वैलिड माना जाएगा, इस स्टार का मतलब यही है, आगे आइस कोड्स में मेंशन है, मैंने आपको बता दिया। टेबल नंबर 2 में नीचे है फ्री रेसिड्यूल क्लोरीन की बात करें 0.2 से 1 तक जाएगा, और टू बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन वाटर इज क्लोरीनेटेड, ये वही एप्लीकेबल है जहां वाटर क्लोरीनेटेड है, और जो आप टेस्ट के लिए सैंपल्स लोगे वो कंज्यूमर एंड से लेना है। व्हेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शन है तो वो 0.5 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम 0.5। यदि हाँ, जहां पे वायरस इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है वहां पे मिनिमम 0.5 mg पर लीटर आपको रखना है। दिस इज द मिनिमम लिमिट 0.2 व्हाट रिक्वायरमेंट है एक्सेप्टेबल 0.5 तक ये होगा, जहां पे वायरस इन्फेक्शन जैसा इशू है। यदि क्लोरीनेशन के केस में ये माना जाता है कि यदि लॉन्ग रन में आप डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो क्लोरीनेटेड के डबल डोज आपको देने होते हैं, तो उस केस से आप वो मतलब 0.5 तक mg मिनिमम है। आयरन 0.3 नो रिलैक्सेशन, देखिए मैग्नीश की बात हो या आयरन की, 0.3 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं रखना है। जब भी आपके पास में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी ये आपको वेरीफाई करना है एज ए सिविल इंजीनियर। एक्चुअली ये केमिस्ट का पार्ट है बट वेरीफाइड हमें करना है। पोटल वाटर सप्लाई जल जीवन मिशन वी ऑल नो दैट की दे हमारा काम है। मैंगनीज हो गया 30-100 mg पर लीटर, मैंगनीज 0.1-0.3, मैग्नीशियम 30-100 mg पर लीटर, मिनरल ऑयल्स 0.5 mg पर लीटर, नाइट्रेट 45 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक है, यदि ज्यादा होगा तो इसमें बहुत सारी डिजीज आ जाती है। और फेनोलिक कंपाउंड की बात करें तो 0.001-0.002 दैट इज लिमिट, और सिनोनियम सिलेनियम 0.01 ही mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर 0.1 mg पर लीटर दैट इज एक्सीड लिमिट। सल्फेट की बात कर लेते हैं 200-400 mg पर लीटर एक्सेप्टेबल है। फाइट की बात करें 0.05, एल्किनिटी 200, कैल्शियम कार्बोनेट वाली 200-600 mg पर लीटर। टोटल हार्डनेस
आपने जनरली पढ़ा होगा जब इसके ट्रीटमेंट में हार्डनेस की बात आती है तो 200 से 600 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. जिंक 5 mg पर लीटर इसकी बेसिक है, और यदि अल्टरनेटिव सोर्स यदि नहीं है तो 15 mg पर लीटर तक जाएगा, ये हमारा स्कोर्स कहता है. इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स मेथड इंडिकेट बाय स्टार सेल्फी रिफर मेथड. भाई डिस्प्यूट्स के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता दें, यदि इन सबसे लिमिट से एक्सीड करता है तो आपको सोर्स को रिजेक्ट करना है, नीचे बाकायदा पॉइंट नोट 2 में मेंशन है. तो पैरामीटर्स हैं टॉक्सिक सब्सटेंस. टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए बात हुई है तो आप कैडियम की बात करें 0.003 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना है, और आईएसओ 3025 पार्ट 41 में इसका प्रोसीजर है. साइनाइड की बात करें 0.005, ये साइनाइड तो भाई टॉक्सिक ही है ना, टॉक्सिन ही है, mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. लेड 0.01 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मरकरी 0.001 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मोलेबियम 0.07, निकल 0.02. पेस्टिसाइड्स इसके लिए टेबल नंबर 5 अलग से बनाई हुई है, हम वहां पे चल के देख रहे हैं. और पॉलीक्लोरिनेटेड वायफाइनाइड 0.0005 mg पर लीटर, इससे ज्यादा नहीं मैक्सिमम है. और पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो 0.0001, इससे ज्यादा नहीं. APHA की बात कही है. APHA क्या है? अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन. ASTM क्या है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स. इसके 25,000 के से भी ज्यादा टेस्ट प्रोसीजर्स हैं जो सर्कुलेट हैं, जो सभी इनके इसके 30,000 मेंबर्स हैं. अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, ठीक है, ये चीजें हैं, ये बहुत बड़ी सोसाइटीज हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमें नॉर्मली हम यूज कर लेते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. आर्सेनिक की बात करें 0.01 to 0.05 mg पर लीटर, इससे ज्यादा नहीं. क्लोरोमियम 0.05. अब देखिए एक चीज और है कि आपके पास अल्टरनेटिव सोर्स जनरली होगा नहीं, क्योंकि आप सोर्स कैसे बनाएंगे आपको नॉर्मली, तो इस आपको ये एक्सेप्टेबल लिमिट है, नहीं तो आपको दूसरा ही बोर करना पड़ेगा, ठीक है. पैरामीटर टॉक्सिक सब्सटेंस में एक और है ट्राइहैलोमेथीन, में बोरोफॉर्म, डाइबोरोमोक्लोरोमेथीन और बोरोडाइक्लोरोमेथीन और क्लोरोफॉर्म, ये 0.2 mg पर लीटर, और ये आपके पास है. इन केस ऑफ डिस्प्यूट स्टार विल बी प्रेफर्ड. ASTM में और ASTM और APHA में कभी कभी डिस्प्यूट हो तो ASTM को प्रेफर करना है, इस तरह से वो बोल रहे हैं, इस तरह से आइस कोर्स बोलता है. ये बहुत ये रेडी टू यूज है ये आइस कोर्स ना, इसमें सारे एक्सेप्टेबल लिमिट दिए हैं, आप जरूर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए, आपको जरूर मिलेगा. अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात करें तो अल्फा एमीटर और बीटा एमीटर जो है 0.1 और 1, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, और यही रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जनरली बहुत ही हार्मफुल होते हैं, हम सभी जानते हैं. पेस्टिसाइड रेसिड्यूज की लिमिट बता रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल लिमिट ही है, और ये एक्चुअली माइक्रोग्राम लीटर है, ये थोड़ा सा इसका यूनिट्स है म्यूजी पर लीटर, तो एक ये म्यू में काउंट डाउन कर रहे हैं इसको. तो ये क्या है? एल्क्रोल, एट्राजाइन, अल्पेट्रीन, अल्फा, बेटा, बेटाकोर, क्लोरोफ्लोइम, डेल्टा, डीडीटी, डीडीई, इनकी सबकी एक्सेप्टेबल लिमिट है, आपको याद रखना है ये चीजें, ऐसे सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए. और आगे चलते हैं, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज में अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ और भी है तो एंडोसल्फोन, इथोन, गामा 2 म्यूजी पर लीटर, इससे ज्यादा नहीं. और मेलाथीन और मेलेथीन और मोनोक्रोटोफॉर्म्स और फॉरेट्स, इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज हैं, इनकी लिमिट्स हैं, टेस्ट प्रोसीजर्स हैं. एक्चुअली ये सब केमिस्ट का काम है, सिविल इंजीनियर्स को इनकी टेस्टिंग प्रोसीजर्स यदि आपके पास है तो पता होना चाहिए. बेसिक बेसिक से जो जरूरत है उनका हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ सेशंस में, जैसे हमारा बेसिक से टेस्ट ऑर्डर, ये किस तरह से टेस्ट आउट करते हैं. तो ये बैक्टेरियोलॉजिकल क्वालिटी के लिए ई कॉलीज में 100 mg पर लीटर से कुछ भी डिटेक्टेबल नहीं होना चाहिए. ऑल वाटर इंटेंट फॉर ड्रिंकिंग ई कॉलीज और थर्मो टॉलरेंट कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया शैल नॉट बी डिटेक्टेबल इन एनी 100 ml सैंपल्स, ठीक है. तो इस तरह से ये कुछ एक्सेप्टेबल पैरामीटर्स हैं जिनका हमने डिस्कस किया है.
बैटरोलॉजिकल पैरामीटर्स के लिए 4.1 में लिखा हुआ है आइडियली ऑल सैंपल टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर परमाइस। भाई एक कंज्यूमर की परमिशन से आपको लेने हैं, इट्स ऑल बी फ्री फ्रॉम कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म। कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म तो होने नहीं चाहिए ना, बहुत ही हार्मफुल एजेंट है। और इन फॉलोइंग बैक्टेरियोलॉजिकल क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कलेक्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पॉइंट सिक्स में, टेबल नंबर सिक्स में मेंशन है, एंड देयरफॉर स्पेसिफाइड व्हेन टेस्टेड अकॉर्डिंग टू द IS 1622। IS 1622 क्या है? मेथड ऑफ सैंपलिंग इन माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर का डिस्कशन IS 1622 में किया हुआ है। क्लूज नंबर 5 कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ वाटर सेल बी ड्रॉन एज प्रिस्क्रिप्शन इन IS 1622। अभी हमने डिस्कस किया IS 3025 Part 1। नेक्स्ट हम IS 3025 Part 1 में किस तरह से सैंपल लेते हैं। पानी का सैंपल यदि डेप्थ में लेना है तो कैसे होगा, बेल से लेना है तो कहां से लेना है, नदी या नाले से लेना है, नदी से लेना है, कैनाल से लेना है, तो किस तरह से प्रोसीजर्स होनी चाहिए वो भी हमें ध्यान रखना होगा पानी के केस में। तो हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।